जी अभी मैं दाना लेके आया हूँ। इसमें बाजरा है, ये ऑस्ट्रेलियन दाना है, ये ऑस्ट्रेलियंस के लिए, और इसमें से मैं डब को भी डालूंगा, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर से जो ना कुछ चीज़ें निकाली हैं, ये देखो, ये डब नहीं खाती, इसको बोलते हैं चोना। ये जो है ना एक्चुअली चावल होते हैं, ठीक है, मतलब डब ये नहीं खाती, ये कंगनी खाती है। मैं आज डब के लिए जो है ना स्पेशल कंगनी लेके आया हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ब्रीक कंगनी होती है, ठीक है, गोल कंगनी, ब्रीक कंगनी, और ये जो ना डब बड़े शौक से खाती है, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं ये जो ना बाजरा एक सौ मिक्स करूँगा बाजरे के साथ, जो है ना ये ऑस्ट्रेलियन दाना, थोड़ी सी कंगनी, ये मिक्स करके तो डब को डालेंगे, ठीक है, और ये जो है ना जावा को भी डालेंगे। तो ये जावा रही जनाब, ये जावा है, और इसमें से कुछ जोड़े जो है ना वो बन गए हैं, ठीक है। मैं अभी और ला कर डालूँगा इसमें, अगर ये मेरे पास रहे तो, ठीक है, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो जाती है यहाँ पे। तो मैं जो है ना फिर कोशिश करता हूँ कि यार नुकसान होने से बेहतर है कि मैं सेल आउट कर दूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा ये वाला क्लच जो है ना मैं इसको ना सेल करूँ, इनसे अंडे बच्चे लें, ठीक। और आज इनकी शिफ्टिंग भी कर देनी है, इनको जो ना मैंने आज ऊपर शिफ्ट कर देना है, और अभी मैं आपके साथ इसको ना सबको शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और यहाँ पे गर्मी काफ़ी है, ठीक है। इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये सैड न्यूज़ है। इसमें फिर सारे आके बैठ जाते हैं, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। और एक ये वाला पेड़ आपको पता ही है इसका भी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज की रूटीन कुछ ये है कि मैंने जो है ना कुछ बर्ड्स अपने शिफ्ट करने, ठीक है, और सरप्राइज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, ठीक है, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगा, वीडियो में तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि आज जो है ना मैं दाना लेके गया हुआ था, ठीक है, तो दाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दाना जो है ना वो कैसे मिक्स करना है, कैसे इनको डालना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो चलिए इस दाने को मिक्स करते हैं। ये मैंने ये बाजरा जो है ना ये मैंने इसको पीस लिया, ठीक है। इसके अंदर जो इसके अंदर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन दाना मिक्स करेंगे, कंगनी मिक्स करेंगे, लो जी जनाब ये हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देता हूँ मैं, ये एक्चुअली में ना कंगनी कंगनी और ये जो है ना चावल वगैरह नहीं डालना है, तो ये डब के लिए मैं स्पेशल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बाजरा है, कंगनी है, गोल कंगनी, लाल कंगनी है, ठीक है, और सनफ्लावर भी है, लेकिन सनफ्लावर और ये जो चावल हैं ये नहीं खाती डब, ठीक है, लेकिन ये चलो इसके लिए मिक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैंने अब ये कंगनी डालनी है, ठीक है, तो पहले इसको खोल लेते हैं। चलो तो ये मैंने खोली, अब ये भी जाएगी इसके अंदर। अब ये काफ़ी सारा हो गया, तो कुछ दिन ये निकाल जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स मैंने कर लिया, तो ये अभी हम जावा को भी डाल सकते हैं और डब को भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने डब के लिए रखा है, ये जावा और ऑस्ट्रेलियन के लिए है, ठीक है। सो ये अभी कबूतरों के लिए है, ठीक है, तो इसको चलिए जाके ना, तो पहले कबूतर पहले ये जो ना जावा को डाल लेते, इनको काफ़ी भूख लगी और इनका दाना दो दिन से ख़त्म हुआ हुआ था, तो ये इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से पहले मैं इनको तो डाल दूँ, फिर ऊपर जाकर कबूतरों को डाल जाते हैं। एक्चुअली में ये जो चावल है ये जावा बड़े शौक से खाती है, बस इतना काफ़ी है। लो जी ये लगा दिए, इनको आके पानी डालता हूँ मैं,
सो चलिए यहाँ के पहले कबूतरों को डाल। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इनको ऊपर लेके जाने से पहले मुझे जो है ना एक काम करना, मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना इनको ऊपर लेके जाना है बर्ड्स को, मतलब इनकी शिफ्टिंग करनी है, तो पहले जो है ना इनको भी पैक कर लेते हैं और इनको भी जो है ना साथ लेके जाएंगे और देखते हैं कि ये जो है ना ऊपर इनका कैसा, मतलब इसको कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, अब इसको पैक करते हैं इनको। ठीक है, कॉटन के अंदर ये कॉटन ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसी में मैं इनको लेके आया हुआ था, ये मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है। ये कॉटन है और इसके अंदर जो है ना मैं इनको पैक करके तो ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे इसको दोबारा से फिक्स करना पड़ेगा नीचे से। सो तो भाई कॉटन खुल गया। ठीक है, इसमें से अभी जो है ना इनको निकालना शुरू करते हैं एक एक करके। पहले इनको डाल लेते हैं, ये एक्चुअली में लग गए हुए आपस में। ठीक है, और ये इसमें चला गया, दो हो गए, ये इसमें चला गया, इसको भी पकड़ा और ये चला गया इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली में मैं आराम से डालूंगा तो ये उड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मुझे इनको फेंकना पड़ता है। ये भी गया इसके अंदर, ये भी पकड़ लिया। ये बड़ी तेज है, तो देखेंगे कि इनको सील करना है या इनको जो है ना वो रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से आया जा पकड़ ले। लो जनाब, ये सारे हो गए पैक। अब ये बहुत गंदा होगा, इनका भी मैं कुछ करता हूँ, मतलब आज इसको साफ़ करके ना एक साइड पर रख देंगे, क्योंकि मुझे ये वाला केस जो है ना वो देना है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो है ना घर में जगह बिल्कुल नहीं है, मशीनें पड़ी होती हैं, ये जो है ना बिल्कुल नहीं समझ आती, और कोशिश करूँगा कि मैं इसको सेल ना ही करूँ। ठीक है, इसको उठा के तो वहाँ पर रख दूँ। ठीक है, मतलब ऐसे ही लगा दूँ उस जगह पर वहाँ से नीचे तक। ठीक है, ये सारा कुछ उठ जाएगा वहाँ से। ठीक है, सो इनको जो है ना ये सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इनको जो ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, साथ में बाजरा पकड़ेंगे। सो तो इनको मैंने कर लिया पैक, इनकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, जावा भी खुश है और जावा खा भी रही है। ठीक है, ये देखो बैठे हुए ऊपर खाने के लिए। सो तो पहले मैं अभी इसको पहले ऊपर छोड़ के आऊँगा, फिर दाना ले जाऊँगा या फिर दाना भी साथ ले जाता हूँ, तो हैंग होना मोबाइल जी। तो जनाब ऊपर आ गया हूँ मैं। ठीक है, और इनको अब दाना शाना डालते हैं। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन कबूतरों को छोड़ दूँ। ठीक है, होपफुली यहाँ पे ये बीमार भी नहीं होंगे और यहाँ पे जो है ना अच्छी इनकी वो, मतलब अपने अपने घर पसंद कर लेंगे ये। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, ब्लैकी भी आज जो है ना पता नहीं इसको क्या हुआ हुआ, तो ये पिजन है, तो पहले इनको छोड़ लेते हैं, इसको खोलते हैं। खुल गया। ठीक है, जी जनाब इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बागी आई इसको पकड़ने के लिए, पहले इसको खोलते हैं, फिर इनको एक एक करके पकड़ते हैं। पहले ये रोच, फिर ये, फिर ये,
ओए चुप। ये देख ये बदतमीज भौंकी जा। ये लो जी एक ये हो गया और फिर ये है जी और ये है जी, ये भी चला गया। यहाँ पर छोड़ दिया। लो जनाब कार्टन फिर से खाली और अब जो है ना होपफुली अपनी जगह पे खुश ही होंगे। ठीक है सारे नीचे घुस गए हैं। ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है ना यहाँ पे बीमार नहीं होंगे। ठीक है तो ये अपने अपने घर यहाँ पे जो है ना ये बना लेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अब इनको दाना डाल लेते हैं। ये इनका डब्बा है जी। भाग जाओ भाग जाओ पीछे भाग जाओ। ये देखो इनको भी आई थिंक भूख लगी है। मैं इनका भी कुछ करता हूँ। वो सामने कूलर पड़ा हुआ है उसको भी हमने तैयार करना है। वो किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले इसके अंदर सारा दाना डाल लेते हैं। लो जी दाना इसमें डाल गया। अभी इनको डालते हैं। एक दो तीन और ये चार बस काफ़ी है। सारे दिन खाते पीते रहेंगे। इसमें पानी ये भी पी लेंगे। ये इसकी